हमें अंतर करना पड़ेगा, राजनीतिक है हम या अपराधी। जो पीछे किया आपने, संविधान को रोज तोड़ा है, वो अब की बार ना करो। संविधान की तरह से देश चलो। देखिए नीट के मामले में हम लाचार हैं। ये अपोजिशन के लोग कितने संवैधानिक दायरे में संविधान लागू करने की मांग कर रहे हैं, पर चलाना पड़ता है परंपराओं के और संविधान के लिए। तो उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी में लग जाओ। उस देश के बच्चे और आप बच्चों को नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर हुई है, उसको लेकर आप विपक्ष लंबन है। आज आप लोग संविधान की कॉपियां लेकर संसद में भी पहुंचे। पहला सवाल नीट पर है, नीट को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? और दूसरा, संविधान की कॉपी लेकर आज आप लोग पहुंचे, पहला दिन क्या था, क्या मैसेज दिया? देखिए नीट के मामले में हम लाचार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सरकार में बार बार पेपर लीक हो। एक तरफ सरकार कहे, और सरकार क्या कहे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी देश का भविष्य उस देश के नौजवान है, उस देश के बच्चे हैं, और आप बच्चों के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार पेपर लीक करते हैं, बार बार लोकतंत्र में इतना ही तो होता है कि इन्हें जगाते रहे। हम बार बार कहते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, और ये धींगा मस्ती से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बार बार ये करते हैं। हम तो अपोजिशन के लोग हैं पर संवैधानिक पदों पर हैं। हमारा दायित्व बनता है, जनता के वकील हैं, जनता की वकालत करते रहेंगे, इस आवाज को उठाते रहेंगे। आज आप लोग पार्लियामेंट पहुंचे, पहला दिन था, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे, अखिलेश यादव भी आपको साथ के लीड कर रहे थे, क्या संदेश दिया आप लोगों ने एक साथ? हाँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे पार्लियामेंट में। हमारा सौभाग्य पहला दिन आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गए पार्लियामेंट, और हम संविधान की जो पुस्तिका थी वो इसलिए लेकर के गए थे ताकि सरकार समझ जाए, सभ्यता के साथ ये समझे कि ये अपोजिशन के लोग कितने संवैधानिक दायरे में संविधान लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारा ये अनुरोध था कि संविधान के मुताबिक देश को चलाओ, देश किसी की बपोती नहीं है। हम सिस्टम के तहत सरकार में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, पर चलाना पड़ता है परंपराओं के और संविधान के अनुकूल। तो हम लोग ये केवल उनसे अनुरोध कर रहे थे कि अब नई सरकार आई है, नई बार लोकसभा आई है, जो पीछे किया आपने, संविधान को रोज तोड़ा है, वो अब की बार ना करो, संविधान की तरह से देश चलाओ। एक सवाल ये भी है, जिस मुजफ्फरनगर से आप जीतकर संसद पहुंचे हैं, उसी मुजफ्फरनगर से वहां के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, और जो वाक युद्ध है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हरेंद्र मलिक क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि राजनीतिक लोगों में इस तरह का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। हमें अंतर करना पड़ेगा, राजनीतिक हैं हम या आपराधिक हैं, ये पहचान बनानी पड़ेगी। मैं 5 चुनाव हारा और चुनाव हार करके अपने घर चले गए, अगले दिन से फिर उठ के जनता काम लगी। हालांकि इसी बीच में 4 जीता भी है, मेरा बेटा जीता, मेरा भाई जीता, भतीजा जीता, परंतु न हार का मलाल होना चाहिए, न जीत पर बहुत ज्यादा अति उत्साहित होना चाहिए, जनता का फैसला है। एक अनुरोध जरूर है उन दोनों नेताओं से कि हमें बीच में ना इन्वॉल्व करें उसमें। अब वो कहते हैं कि हम लोग संगीत सोम की वजह से जीते, मैं कहता हूं हम जीते अखिलेश यादव जी की वजह से, अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट मिला, हमने इकट्ठा किया वोट, हमने सरकार से लड़ाई लड़ी, एक बूथ ऐसा नहीं बचा जिस पर दरोगा ने जाकर के डिस्टर्ब नहीं किया, वोट नहीं रोका। अगर वोट ना रोकते तो यह जीत, जो मैंने कहा था, 6 अंकों में थी, 6 अंकों में होती। दूसरी बात, और मैं ये नहीं कह रहा, प्रेस के पास सब फुटेज है, दूसरी बात यह है कि हमें एक मलाल जरूर है, हमारे 2 एमएलए थे, चरथावल हमारी लीड बढ़ी चुनाव में, एमएलए के चुनाव में उस सेगमेंट में लीड थी हमारी 5700 पंकज मलिक वहां एमएलए जीते थे, सरधर अब की बार जीते वहां 13800 से, तो 8000 लीड बढ़ी। इट मीन्स के लोगों ने पंकज के काम को स्वीकार किया। उस दिन भी वोट अखिलेश जी के नाम पे ही मिली थी, आज भी आदरणीय अखिलेश जी के नाम पे ही मिली है, और यहां सरधरे का हमें मलाल है। सरधना में हम लोग जीते 45 वोट से, जबकि असेंबली सेगमेंट में जीते थे हम
18,000 से, तो हमें यह मलाल है कि हमारे नेता की लोकप्रियता नहीं घटी, परंतु हमारे एमएलए का या तो प्रभाव घटा, या तो फिर यानी अतुल चौध प्रधान का, या तो फिर संगीत सोम का प्रभाव बढ़ा भाजपा का, तभी तो भाजपा को वोट मिला। अरे हमारा एमएलए हमारे साथ, और अगर उनका एमएलए भी हमारे साथ हारा हुआ एमएलए साथ होता तो फिर 50,000 की लीड होती, हमारी लीड घटी। हम सरधरे को लेकर चिंतित है, इसकी समीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे कि आखिर हमारी कौन कौन सी गलतियां रही जिससे हमारी लीड घटी है। खतौली मार्ग लीड बढ़ी। 27 में अब क्या तैयारी है? 27 में आधार ने अखिलेश जी को सीएम बनाना है, हम लोग 27 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और अभी मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय हुआ हो या प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने अपने स्तर पर सब लोगों ने जो साथी मिले सबने 27 की तैयारी शुरू कर दी। और वैसे भी समाजवादी लड़ते रहते हैं राजनीतिक लोगों में। एक बार सीसराम होड़ा जी मेरे साथ थे, तो एक प्रेस के साथी ने उनसे पूछा, चो सब आप बार बार जीत, तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने एक जवाब दिया था, जब मैं पहला सर्टिफिकेट लेकर चलता हूँ जीत का, तो उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी में लग जाऊं। तो वो बात हम लोगों ने पल्ले गांठ बांध ली थी। 22 का सर्टिफिकेट लेकर चले थे तो हम मुजफ्फरनगर के चुनाव की तैयारी में लग गए, तरफ 27 के चुनाव की तैयारी में लग गए। खतौली में ये इंचार्ज थे चौधरी लम सिंह, हम 20,000 से चुनाव हारे थे 22 में, और आज हम वहां 3,400 से हारे। इनकी मेहनत की वजह से, इन्होंने सब साथियों को जोड़ करके, सभी समाजवादी साथियों को जोड़ा, कांग्रेस का सहयोग लिया और हम 3,000 से वहां चुनाव।